एक इतना गरीब लड़का था कि वह हर रोज खाने के लिए भटकता था और कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा, तुझे पता है ना मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है, अगर तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता। तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखी है, वही मिलेगा, भले ही तू कितनी कोशिश कर ले, भले ही तू कितना इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़का बहुत शौक हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वही तुझे बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रात हो गई, इसलिए रास्ते में उसे एक हवेली दिखी और उसने हवेली वालों से एक रात रुकने की इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा, मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने भगवान बुद्ध से एक सवाल पूछने को कहा, हमारी 26 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करे जिससे उसकी आवाज़ आ जाए। उस लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा आपका सवाल, और उनको धन्यवाद किया और सुबह वहां से निकल गया। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे, वह बड़ी मुश्किलों से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहां एक जादूगर मिला, उसने उस लड़के से पूछा, तुम कहां जा रहे हो। उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा, क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे, मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूँ। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी, उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुँचा दिया। जब वो आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। कछुए उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उसे वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक नहीं बन पाया, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊँ। लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुंचाया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों का जवाब दूंगा। लड़का एकदम शॉक हो गया, क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी। मैं तो सिर्फ एक गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, और कछुआ जादूगर और लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी हैं। तो लड़के ने 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वहीं जादूगर जब तक छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और लड़की का जीवन साथी मिलते ही उसकी आवाज़ आ जाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बता दिया। तो कछुए ने कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। जादूगर ने उसे अपनी जादू की छड़ी दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वहाँ गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात को हमारी हवेली और तुम ही आए थे ना। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गए। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी कोई तो उसे स्वर्ग मिला। वैसे जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज्यादा किनारे पर ही होता है, और जहाज किनारे नहीं बना, वह भी समंदर में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम बहुत सारी है, तो एक नज़र उन लोगों पर डालिए जिनके पास रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, कोई तो देख नहीं सकता,
कोई चल नहीं सकता, कोई तो बोल नहीं सकता, क्या आपकी प्रॉब्लम उन लोगों की प्रॉब्लम से बड़ी है? आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, नॉलेज गेन किया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।